हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो नेशनल डे से रिलेटेड है, यानी राष्ट्रीय दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीटेड है, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा रहा है, उसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी या 14 मार्च। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी या 20 मार्च। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 27 सितंबर को या 3 दिसंबर को। राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस जो है वो आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन गलत हो गया। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आपको जो हिंदी डेज होता है वो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा 14 सितंबर, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ फिलहाल शिक्षक दिवस के रूप में पूछ रहा है कि क्या कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 5 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर या 16 अक्टूबर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, 4 दिसंबर को, 18 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन SSC और UPPCS में भी पूछा गया है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 1 अप्रैल, 1 मई, 5 जून या 1 जुलाई। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या 8 अप्रैल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 दिसंबर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनियन डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर या 23 दिसंबर। राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी नेशनल यूनियन डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है, 11 मई को, 11 जुलाई को, 21 अगस्त को या 29 मई को। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी, 26 मई, 15 अगस्त या 26 नवंबर।
राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 नवंबर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है और ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन आपके पास 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या 9 जनवरी। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। ऑप्शन आपके पास 11 मई, 11 जुलाई, 15 सितंबर या 12 नवंबर। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 18 मार्च को, 19 मार्च को, 20 मार्च को या 21 मार्च को। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है, यानी 21 मई को कौन सा डे होता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, एनआरआई दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राइट ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम 21 मई को मनाते हैं और ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर, 8 मार्च, 8 अप्रैल या 10 दिसंबर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर या 25 नवंबर। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। फिर कह रहे हैं कि 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है, यानी 31 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे या एंटी टोबैको डे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटी टोबैको डे हम 31 मई को मनाते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या चंद्रशेखर आजाद। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू या लक्ष्मीबाई। ये भी क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएसई एग्जाम में पूछा गया है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 24 नवंबर। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, श्रम दिवस, मकर संक्रांति, थल सेना दिवस या गणतंत्र दिवस। राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, थल सेना दिवस। ये भी एग्जाम एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 20 अगस्त का कौन सा दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आईबी के एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है जो 23 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में किनके जन्म पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये एग्जाम जो है ये बीएड के एग्जाम में पूछा, ये क्वेश्चन जो है बीएड के एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। और ये जो शिक्षा दिवस हो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल
39 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट डेज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम नेशनल डेज की बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल डेज की बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी क्वेश्चन में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।